आगरा के थाना ढौकी क्षेत्र में कच्ची शराब का बड़ा काम होता था। थाने के ठीक पीछे तमाम सारे ऐसे लोग थे जो कच्ची शराब का काम करते थे। कई बार पुलिस ने छापा मारकर बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा है और भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद किया, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने अपना इरादा बदल लिया है। यहाँ के लोग चाहते हैं यहाँ का कोई भी व्यक्ति अब कच्ची शराब का काम नहीं करेगा। कच्ची शराब के चलते लोगों को परेशानी होती है, पुलिस आए दिन छापे मारती है, इसके अलावा जान जाने का भी खतरा रहता है और बच्चे भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक अच्छी पहल ढौकी के लोगों ने शुरू की है, जो पुलिस भी इनका सहयोग कर रही है। तमाम सारे लोग महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से काम यहाँ पर होता था? कच्ची शराब खूब बनती थी, खूब बेचते थे, लोग बाग भी पीते थे, बच्चे भी पीते थे, बच्चे बिगड़ते। अब हमको सुखी शांति है कि ना बिल्कुल भी बंद हो गई है, और रोज़ पुलिस छापा मारती, दिन में भी आ रही है, रात में भाई रोज़ छापा मारती थी, और अब बच्चे हमारे काम भी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, सुकून से शांति से सब। यहाँ के लोग चाहते हैं अब सम्मान से जीना, क्योंकि आए दिन पुलिस यहाँ पर टेढ़ी नज़र रखती थी, आए दिन पुलिस दस्तक देती थी और लोगों को परेशान करती थी। कितना परेशान आप लोग होते थे? बहुत परेशान होते थे, रात में भी आती थी, दिन में भी आती थी, जब मर्जी आए, जब उनका तो कभी भी आ जाएगी वो तो। अब जिसका है वो उसके भी यहाँ, जिसकी नहीं है उसके भी यहाँ, उनको तो घुसना है सबके घर में। हाँ, एक कच्ची शराब का तो अच्छा पैसा मिलता, मोटा मुनाफा मिलता है, तो क्यों बंद क्यों कर दिया काम? ये अच्छा नहीं लगता ना, सब बच्चे बिगड़ रहे थे। ढौकी गाँव के लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब यहाँ पर कच्ची शराब न बनेगी और ना ही बिकेगी, और इसके अलावा जो लोग इस काम को करेंगे उनके खिलाफ भी पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। क्या कुछ फैसला आप लोगों के द्वारा किया गया है? दारू बंद चाहते हैं हम गांव में। क्यों चाहते हैं? बच्चे बिगड़ रहे थे बाहर दारू पी पी के, बहुत पुलिस बहुत परेशान कर रही थी हमें, इसलिए बंद कर दी। इसमें तो बहुत सारा पैसा आता है, अच्छा पैसा मिलता है। नहीं चाहिए ना ये पैसा वैसा, बच्चों की जिंदगी चाहिए हम लोगों को तो। क्यों, पैसा तो अच्छी चीज़? नहीं पैसा नहीं, इतना मेहनत करके खा सकते, अपने बच्चों की जिंदगी चाहिए हमें, लाइफ चाहिए पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने की। क्यों, ये इतना अच्छा काम था, कच्ची शराब बनती थी, सस्ते बिक जाती थी, मोटा पैसा आता था, क्यों? नहीं, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारनी, हमें ऐसा काम नहीं करवाना। ये एक सराहनीय काम है जो ढौकी के लोगों ने किया है। कच्ची शराब पर पूरी तरीके से ढौकी के लोगों ने रोक लगा दी है। ढौकी के लोग चाहते हैं कि अब यहाँ पर ना तो कच्ची शराब बिकेगी, ना बनेगी, और ना ही किसी को इस काम को, जो गोरख धंधा, काला गोरख धंधा, उसको करने दिया जाएगा। पूरा गांव एकजुट है, यहाँ पे परिवार के लोग घर पे मौजूद हैं। क्यों, कितनी परेशानी आप लोगों को? बहुत परेशानी होते थे। क्या परेशानी है? नहीं, कच्ची शराब से बच्चे लोग पीते, आदमी पीते थे, अब नहीं करे। क्यों, ऐसा क्यों? परेशानी, लड़ाई होती घर में, घर घर बच्चे बिगड़ते थे, पकड़े भी जाते थे। कच्ची शराब से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था, और आए दिन पुलिस की दस्तक इस गांव के अंदर रहती थी, और जब भी कोई कच्ची शराब का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर सामने आता था, और पुलिस तत्काल ही बिना समय गंवाए ढौकी पहुंच जाती थी, क्योंकि पुलिस को इस बात का पता है कि ढौकी क्षेत्र में कच्ची शराब का बड़ा कारोबार होता था। तमाम सारे लोग पकड़े जाते थे, जो बनाते थे वो पकड़े जाते थे, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े जाते थे जो इस काम से दूर रहते थे, इस काम को नहीं करते थे, बेकसूर लोग भी पकड़े जाते थे। पुलिस कार्रवाई से लोग परेशान रहते थे और बच्चे भी लगातार गलत सोबत में पढ़ते जा रहे थे। यही वजह है कि ढौकी के लोगों ने फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि अब यहाँ पर ना कच्ची शराब बनेगी, ना बिकेगी, और ना ही किसी को इस काम को करने दिया जाएगा। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन लोगों का कितना सहयोग करता है। अपने साथी अखिल दुबे के साथ ढौकी से राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।